मैं डीएचओ ठाणे डॉक्टर समीर तोडणकर बात कर रहा हूँ। इस प्रदर्शन में हम दो अभिनव प्रकल्प लेकर आए हैं, जिससे अब बहुत ही कम खर्चे में दो महत्वपूर्ण प्रकल्प हम यहाँ लेकर आए हैं। इसके बारे में हमारे जो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर दलवी आपको विस्तृत में बताएंगे। ये जो हमने योजना जो लाई है, इसमें ये हम कंसेप्ट लेके आए हैं कि उसमें मेरा जो शेड है वो सुरक्षित कैसे बनाए हम लोग। तो उसके लिए हम लोगों ने एक जो सेंसर जो हमें अवेलेबल होता है हमारे पास, तो सोलर सेंसर, तो उसको हमने मॉडिफाई करके जो हमारे वाइल्ड एनिमल या फिर जो बिपटा वगैरह वाघ वगैरह जो एनिमल्स हैं हमारे जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने ये सेंसर का और हॉर्न का यूज़ करके एक सेंसर सिस्टम बनाया हुआ है। तो उसके ये चलता कैसे है, तो इसका जो सेंसर है उसके रेडियस में अगर ये एनिमल आता है 15 मीटर के रेडियस में, तो ये अलार्म सायरन बज जाता है और जो जंगली एनिमल है वो भाग जाते हैं उसके सायरन से। और दूसरा जो सिस्टम हमने बनाया है ये है, जो हम लोग हस्क जो यूज़ करते हैं, पेंडा बोलते हैं हम लोग उसको, उसमें आग लगने की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो इसमें हम लोग क्या किया है कि हमें हमारे पास जो यूरिया मिलता है हमारे पास, उसका 5% सोल्यूशन बना के उसमें ये स्ट्रॉ डीप करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो इसमें अगर आग भी जल जाए, आग लग जाए यहाँ पे, तो ये जलेगा नहीं। हम लोग आपका डेमो देते हैं इसको, ये देखिए ये जल नहीं रहा है बिल्कुल। और एक बार ये प्रोसेस करने के बाद ये 3 से 4 महीने तक चल सकता है। ये सोलर सेंसर जो है ये अमेजोन पे या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, 200 या 250 रुपीज़ में ये मिल जाता है हमें इजीली। तो इसको मॉडिफाई करके हम लोगों ने ये बनाया हुआ है। ये लाइट कंजम्पशन नहीं करता है क्योंकि सोलर पे ये ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है डेली। बारिश में भी अगर हम लोग ये चार्ज करना चाहें तो जो भी लाइट बारिश में हमें अवेलेबल होता है उस पर भी ये चार्ज हो जाता है। इसके लिए ऐसी धूप की ज़रूरत नहीं है एकदम। हम लोग जो भी हॉर्न यूज़ करेंगे, हॉर्न या फिर जो भी हमें साउंड मटेरियल जो मिलता है, वो उसका जो कैपेसिटी होगा उसके हिसाब से वो सायरन का आउटपुट डिपेंड करता है उस पर।